वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे, आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि कितने भी प्रकार की मोटर हो, चाहे वो एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, मुख्यतः जो मोटर है आपको देखने मिलेगी तो एसी टाइप की मोटरें मिलेगी और डीसी टाइप मोटर। तो डीसी में जो मोटर होती है, सीरीज शंट और कंपाउंड मोटर, इन मोटर को भी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। वैसी एसी टाइप की जितने भी मोटरें हैं, सभी मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमें स्टार्टर की आवश्यकता पड़ेगी ही, बिना स्टार्टर के आप किसी भी मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, ये देखेंगे दोस्तों। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में अक्सर देखा जाए, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में, तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आइए हम इसे जानेंगे। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है, जो रिएक्टेंस, रोटर का जो रिएक्टेंस है दोस्तों, रोटर का रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन आर टू, तो रोटर का जो रेजिस्टेंस है उससे ग्रेटर देन होगा। तो ये रोटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो रोटर का रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस से कम होगा। दिस इज कॉल्ड, इसे ये कह सकते हैं कि रोटर का रिएक्टेंस, ये एक्स टू इज कॉल्ड रोटर रिएक्टेंस, तो रोटर का रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन आर टू, रोटर का जो रिएक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है दोस्तों। तो इसके कारण क्या होती है, करंट अधिक फ्लो होती है सर्किट में, जो वाइंडिंग है दोस्तों उस वाइंडिंग में करंट अधिक होगी। इसके पीछे रीजन यही है कि रोटर का रिएक्टेंस अधिक होने के कारण सर्किट में करंट अधिक फ्लो होती है और रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेजिस्टेंस करंट को ड्रॉप कर लेता है, लेकिन रेजिस्टेंस करंट को ड्रॉप इसलिए नहीं कर पाता दोस्तों क्योंकि रिएक्टेंस का मान हाई होता है और रेजिस्टेंस का मान कम होता है। तो इसके कारण मोटर अधिक करंट लेती है और जिससे मोटर जलने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। तो ये कंडीशन किस पे क्रिएट होती है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर पे क्रिएट होती है। तो जितने भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर होंगे, इसमें रोटर का जो रिएक्टेंस होगा, ये रोटर का रिएक्टेंस उत्पन्न होता है रोटर में लगी हुई वाइंडिंग के कारण। तो रोटर में लगी हुई वाइंडिंग के कारण रोटर का रिएक्टेंस ज्यादा होता है, तो रोटर रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन रोटर रेजिस्टेंस। तो इसमें रोटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रिएक्टेंस का मान ज्यादा होता है, जिसके कारण थ्री फेस इंडक्शन मोटर ज्यादा करंट कैरी करती है, मतलब ज्यादा करंट लेती है, अधिक करंट लेती है, और अधिक करंट लेने के चक्कर में मोटर जलने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। इसीलिए क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करते हैं। लिमिट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब स्टार्टिंग करंट को हम लिमिट में करेंगे तो कितना लिमिट करेंगे, तो स्टार्टिंग करंट को 5-7% हम लिमिट में करते हैं। तो 5-7% फुल जो है करंट से हम उसको लिमिट करते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है न्यूमेरिकल के तौर पर कि स्टार्टिंग जो करंट होती है उसको कितने लिमिट करते हैं, तो 5-7% दोस्तों लिमिट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके कारण अतः स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्टार्टर की। और स्टार्टर में क्या कनेक्ट होगा, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो एक्स्ट्रा हम रेजिस्टेंस का यूज करके स्टार्टिंग करंट को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं दोस्तों। तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए थ्री फेस इंडक्शन मोटर को भी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये जो स्टार्टर होता है, ये स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस है जो मोटर को स्टार्ट करने वाला यंत्र होता है। तो स्टार्टर क्या है, मोटर को स्टार्ट करने वाला यंत्र। और स्टार्टर में क्या लगा होगा, तो स्टार्टर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा होगा दोस्तों। स्टार्टर में क्या होगा, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्या करेगा, करेंट की वैल्यू को लिमिट कर देगा, मतलब करेंट का मान कम कर देगा। रेजिस्टेंस का मान यदि हम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो करंट का मान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम स्टार्टर में मोटर को स्टार्ट करने वाला जो इक्विपमेंट है, इसमें एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जिसे कहेंगे, और इसके कारण हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो
चलिए दोस्तों आगे वाला पॉइंट देखेंगे इसमें। स्टार्टर आर्म्स, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में अलग अलग रोटर टाइप की इंडक्शन मोटरें होती है। तो इन्हीं मोटर में सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायरल केज टाइप, इसके पहले हम देखेंगे स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर। तो स्टार्टर का जो यूज करेंगे वो कौन सी मोटर में करेंगे दोस्तों? स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज करें तो कैसे करें हम। तो बेसिकली दोस्तों हमें ये देखने मिलता है कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो स्लिप रिंग और दूसरा स्क्वायरल केज टाइप। तो स्लिप रिंग टाइप वाला जो इंडक्शन मोटर होगा और स्क्वायरल केज टाइप का जो इंडक्शन मोटर होगा, इन दोनों में हम स्टार्टर अलग अलग टाइप के यूज करेंगे क्योंकि इनके रोटर का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है दोस्तों। और जब रोटर का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है तो 101% है कि इसके रोटर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टर का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, स्टार्टर और स्टेटर में जमीन आसमान का अंतर है। तो स्टार्टर क्या होता है? मोटर को स्टार्ट करने वाला यंत्र। स्टेटर क्या होता है? मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है दोस्तों। तो स्टार्टर और स्टेटर में दोनों में बेसिक अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर। दोस्तों इसमें देखेंगे कि स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन जो मोटर होता है वो उसका स्टार्टर कैसा होगा, और स्क्वायरल केज टाइप थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे हम जिसके माध्यम से ये ऑपरेट हो जाए, मतलब कि मोटर को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए, स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेटर का स्टार्टर का यूज करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे दोस्तों? जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डीओएल स्टार्टर। तो DOL स्टार्टर, इसका फुल फॉर्म होता है डी से, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब दोस्तों ये जो DOL स्टार्टर है ये हमेशा AC में यूज किया जाता है क्योंकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर AC की मोटर है, और AC में यूज होने वाली मोटर है थ्री फेस इंडक्शन मोटर जिसका रोटर कंस्ट्रक्शन कैसा है दोस्तों? स्क्वायरल केज टाइप का है, सर्पी वाला आकार का है। तो स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है दोस्तों, इसमें कितने HP तक की मोटर के लिए यूज करते हैं? तो इसमें 1 HP से 5 HP तक, 1 HP से 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब 1 HP से 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पर ये कितने कितने किलोवाट की होगी? अब ये 5 HP की मोटर है तो ये 5 HP की मोटर कितने किलोवाट की होगी? तो 5 HP की मोटर 3.75 किलोवाट की होगी। क्लियर है दोस्तों सभी को? तो 5 HP की जो मोटर है ये कैलकुलेशन करेंगे तो 3.75 किलोवाट की मोटर होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम यहाँ स्टार्टर पढ़ रहे हैं और स्टार्टर में स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टार्टर का यूज करते हैं वो पढ़ रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर। तो स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर में DOL स्टार्टर से हम इस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इसका यूज करते हैं 1 HP से 5 HP तक की मोटर के लिए यूज करते हैं। इसके वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस होता है दोस्तों वो हमेशा कितना होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए ये मोटर जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरी मोटर की अपेक्षा इसका स्टार्टर का जो है, मतलब कि ये बोल सकते हैं वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो अधिक होने के कारण, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण ये मोटर जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसमें एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं वो ज्यादा रेटिंग का नहीं लगाएंगे। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, ये है रोटर का, ये है स्टार कनेक्शन में दिख रहा है दोस्तों, स्टार में ये RY और ये B। अब ये स्क्वायरल केज टाइप का रोटर है यहाँ अंदर लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर जब आप थ्री फेज सप्लाई देंगे इसको, तो थ्री फेज सप्लाई देने पर यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा रजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या है दोस्तों? एक्स्ट्रा रजिस्टेंस है।
आर फेस में, वाई फेस में और बी फेस में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर करंट का जो मान होगा, वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट कम हो जाएगी, अर्थात रेजिस्टेंस का मान बढ़ाने पर करंट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब करंट का मान कम हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो वाइंडिंग है रोटर की वाइंडिंग, तो ये मोटर की वाइंडिंग जलने से बच जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग के समय में रिएक्टेंस का मान कम होता है और हायर करंट लेती है मोटर। जब अधिक करंट लेती है तो वाइंडिंग के जलने का पूरा चांस रहता है दोस्तों। इसीलिए क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग के समय में रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जिससे करंट लिमिट हो जाती है। और जब करंट लिमिट हो जाती है दोस्तों, तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें अलग से भटकना नहीं पड़ता, मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। और मोटर को आप अच्छे तरीके से, स्मूथली तरीके से उससे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर में DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज करते हैं दोस्तों, और थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हुआ DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर जो है कितने से कितने HP तक की मोटर में यूज किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो DOL स्टार्टर है, ये DOL स्टार्टर दोस्तों 1 HP से 5 HP तक की मोटर में यूज करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो 1 HP से 5 HP तक की मोटर को यूज करने में, चालू करने में इसको DOL स्टार्टर का यूज करते हैं हम। सेकंड देखेंगे, प्राइमरी रेजिस्टेंस आर रियोस्टेट स्टार्टर। जैसे हमने DOL स्टार्टर देखा था, वैसे ही दोस्तों हम प्राइमरी रजिस्टर आर रियोस्टेटिक स्टार्टर देखेंगे। तो ये भी जो है स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर को अलग टाइप से डिवाइड करते हैं, तो वो रोटर पार्ट से करते हैं। जैसा रोटर का कंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों, उस टाइप की वो मोटर बन जाती है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम सेकेंड जो मेथड है उसे स्टार्ट करने के लिए, तो वो सेकेंड मेथड है दोस्तों प्राइमरी रजिस्टर आर रियोस्टेटिक स्टार्टर। तो प्राइमरी रजिस्टेंस को कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर को, स्क्वायरल केज टाइप की इंडक्शन मोटर को दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो प्राइमरी रजिस्टर आर रियोस्टेटिक स्टार्टर जो है, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं दोस्तों हम। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको कैसा मिलेगा, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों नॉर्मल तरीके से, ये होता है स्टेटर पार्ट और ये अंदर वाला होता है रोटर पार्ट दोस्तों। तो ये स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर है। तो स्क्वायरल केज टाइप की इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें प्राइमरी रजिस्टर या रियोस्टेट का यूज करके इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, या सप्लाई जो वोल्टेज है, या सप्लाई जो करेंट है, तो जब आप सप्लाई से जोड़ेंगे इसे, तो ये आर, वाई और ये बी तीनों फेस में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों फेस में जब आप वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के कनेक्ट होने से वोल्टेज ड्रॉप होता है। स्वाभाविक रूप से रेजिस्टेंस के कनेक्ट जब करेंगे हम प्रत्येक फेस में, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों तो यहाँ पर करेंट का मान क्या हो जाएगा, करेंट का मान भी कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करेंट के मान को लिमिट कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर IR करंट है, यहाँ पर IB करंट है, IY करंट है यहाँ पर, और यहाँ पर है IB करंट, ये तीनों करंट को हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू लिमिट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V इस फार्मूले से देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में, तो यहाँ पर करंट क्या हो रही है, हाफ हो रही है I/2। जब करेंट इस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया हमने, तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा दोस्तों। तो स्टार्टिंग जो टार्क इस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है, तो स्टार्टिंग टार्क इस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जब हम वोल्टेज को आधा कर देंगे रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, तो जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे हम, तो स्टार्टिंग टार्क इस प्रोपोर्शनल टू V/2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि करेंट को लिमिट किया हमने, रेजिस्टेंस लगाया, तो ये वोल्टेज भी, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो V/2 हो जाएगा। तो जब स्टार्टिंग टार्क इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, V² / 4 हो जाएगा, मतलब ये जो वोल्टेज है ये 4 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। तो इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा,
जब इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है दोस्तों, ये करंट आपस में क्या हो जाएगी, लिमिट में हो जाएगी। लिमिट का मतलब यह है कि करंट, ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगी यहाँ पर, और जब यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग में करंट जब सप्लाई जाएगा इसमें, तो ये वाइंडिंग जलने से बच जाएगी दोस्तों। मेन रीजन यही होता है, हम स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, हम स्टार्टर का यूज इसलिए करते हैं दोस्तों ताकि हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है स्क्वायरल केज टाइप की, ये मोटर की वाइंडिंग जलने से बच जाए। हम यहाँ पर वाइंडिंग को जलने से बचाते हैं दोस्तों, तो वाइंडिंग न जले, जलने से हम क्या करते हैं, बचाते हैं दोस्तों। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। और स्टार्टिंग में हमें करेंट का मान कम चाहिए, स्टार्टिंग में करेंट का मान कम चाहिए, और इस करेंट के मान को कम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। और यही एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जहां पर लगाते हैं वही है स्टार्टर, उसी को कहते हैं हम स्टार्टर। तो हमने यहाँ पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज टाइप की जो इंडक्शन मोटर है, इसमें दो मेथड हमने पढ़ा, एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और सेकेंड हमने देखा प्राइमरी रजिस्टेंस, प्राइमरी रजिस्टर और रियोस्टेटिक स्टार्टर। तो दो स्टार्टर का हमने यहाँ पर यूज देखा दोस्तों। इसमें क्या होता है, यह मेथड अपनी रिलायबल, देखो स्वाभाविक रूप से कोई कोई मेथड रिलायबल होगी, विश्वसनीय होगी, कोई कोई नहीं होगी, तो यह मेथड उतनी रिलायबल नहीं है, अतः इसका यूज छोटी मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो ये प्राइमरी रजिस्टर आर रियोस्टेटिक स्टार्टर का जो यूज करेंगे हम, इस स्टार्टर का जो यूज करेंगे दोस्तों, तो ये ज्यादा एचपी की जो मोटर होगी, हाई एचपी की जो मोटर होगी दोस्तों, हाई एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए नहीं है, ज्यादा एचपी की मोटर को हम स्टार्ट इसमें नहीं करेंगे। लो एचपी, कम एचपी की छोटी मोटर है, जो छोटी छोटी मोटर है दोस्तों, उसमें हम प्राइमरी रजिस्टर आर रियोस्टेटिक स्टार्टर का यूज करेंगे। मतलब प्राइमरी में क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है इसका, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। इसमें टार्क में ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टार्क में इसलिए कमी हो जाती है क्योंकि वोल्टेज क्या हो गई, 1/4 हो गई, इसीलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें टार्क में ज्यादा कमी हो जाती है। इसमें एनवीसी जो है, एनवीसी का अर्थ क्या होता है, एनवीसी का अर्थ यदि देखा जाए दोस्तों, तो एनवीसी का मतलब क्या होता है, नो वोल्ट कॉइल होता है एनवीसी का मतलब। तो यहाँ पर देखेंगे एनवीसी क्या होता है, इसका कार्य है कि लो वोल्टेज से बचाने के लिए स्टार्टर में लगा होता है। देखना आप जब आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, स्क्वायरल केज टाइप थ्री फेस इंडक्शन मोटर में प्राइमरी रजिस्टर स्टार्टर का यूज जो करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यह होता है कि इसमें एनवीसी कॉइल लगी होती है जिसे नो वोल्टेज कॉइल कहते हैं। तो इस ये क्या काम करता है, ये लो वोल्टेज से बचाने के लिए स्टार्टर में लगा होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या करेगा, ये वोल्टेज, लो वोल्टेज के लिए, इसको कहने का मतलब यदि ज्यादा ही कम वोल्टेज है, वोल्टेज का मान ज्यादा ही कम है, तो स्टार्टर को बचाएगा ये, क्योंकि वाइंडिंग इसमें भी प्रॉब्लम इफेक्ट हो सकता है। जितना आपको सप्लाई प्रॉपर चाहिए उतना सप्लाई तो आपको देना ही पड़ेगा इन मोटर को। यदि मोटर को आप बहुत ज्यादा कम ही सप्लाई दे दिए, कम सप्लाई दे दिए तो भी मोटर खराब होने के चांसेस रहते हैं, ज्यादा सप्लाई दे दिए तो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर एनवीसी कॉइल लगी होती है दोस्तों। अब ये थर्ड मेथड है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, थर्ड मेथड है दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी यूज किया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है, तो ये तीसरी मेथड है दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था डीओएल स्टार्टर, जिसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। सेकेंड हमने देखा प्राइमरी रजिस्टेंस स्टार्टर, और थर्ड है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो थर्ड पॉइंट में स्टार डेल्टा स्टार्टर देखते हैं दोस्तों। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर भी, इसके द्वारा भी थ्री फेस स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी थ्री फेस स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो
थ्री फेज स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, 5 HP से 20 HP तक की मोटर को यदि आपको ऑपरेट करना है, 5 HP से 20 HP तक की मोटर को आपको चलाना है, तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करना होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसका जो रेटिंग है, मतलब कितने एचपी तक की मोटर को हम चलाने में यूज करेंगे, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे बेटा 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो जहां पर 5 HP के ऊपर वाली मोटर हो, 5 HP के ऊपर वाली थ्री फेस स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर में इसका जो रेटिंग है वो 5 HP से 20 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, स्टार्ट स्टार्ट करेंगे तो इसको कैसा होगा, ये स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार में होगा, कनेक्शन में, स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन में होगा। लेकिन जैसे ही ये रन होगी तो ये डेल्टा में आ जाएगी, रन होगी तो दोस्तों ये डेल्टा में आ जाएगी। स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में होगी और रनिंग अवस्था में ये डेल्टा कनेक्शन में आ जाएगी दोस्तों। तो ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसकी कारण ये स्टार डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, जो मोटर डेल्टा में रन करने के लिए बनाई गई हो उसी में इस स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी जो मोटर हो जिसमें डेल्टा में रन करने के लिए उसे बनाया गया है, मतलब कि उसका जो सिस्टम है, उसका जो अरेंजमेंट है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, जो मोटर डेल्टा में रन करती है या जिस मोटर को डेल्टा में रन करने के लिए, डेल्टा में चलाने के लिए बनाया गया हो, वहीं पर बेटा हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर डेल्टा में रन करने वाली मोटर बनाई गई हो, जो ऐसी मोटर जो सिर्फ डेल्टा में रन करे, तो वहां पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं डायरेक्ट स्विच करंट कैसे होता है इसमें। मतलब आप जब डेल्टा में इसका कनेक्शन करेंगे तो ये क्या क्या शो करेगा। तो प्रत्येक फेस में यहाँ पर वाइंडिंग लगी होगी, मतलब कि जो वाइंडिंग होगी यहाँ पर ये डेल्टा कनेक्शन में होगी। जब यहाँ पर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में होगी तो सीधे रूप से ये लाइन वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पर ये VL VPH के बराबर होगा जाएगा, मतलब कि लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये किसमें होता है, यदि आपने थ्री फेस स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन पढ़ा होगा, तो डेल्टा कनेक्शन में अक्सर ये होता है कि लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ये है आर फेस, ये वाई और ये बी फेस दोस्तों। तो IPH यदि निकालना है, फेस करेंट, IPH इज कॉल्ड फेस करेंट। तो फेस करेंट आपको निकालना है तो VPH अपॉन GHPH निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें कंपेरिजन किससे करें दोस्तों, I इक्वल V अपॉन R से, I इक्वल V अपॉन R से कंपेयर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये IPH इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH हो जाएगा। तो ये जो VPH है किसके बराबर है, लाइन वोल्टेज के बराबर है। तो लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है, तो VPH की जगह VL लिख सकते हैं, क्लियर है। अब ये जो ZPH है, ये इम्पिडेंस है दोस्तों, सर्किट का रेजिस्टेंस है टोटल। तो क्वाइल का रेजिस्टेंस प्लस कोर का रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये दोनों एड होते हैं तब ये इम्पिडेंस बनता है, और इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है। तो ये फेस का जो है इम्पिडेंस है, तो फेस का इम्पिडेंस, तो VL अपान ZPH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IPH दोस्तों। तो आप इस तरीके से फेस करंट निकाल सकते हैं। इसमें ISC क्या हो जाएगा, ये ISC हो जाएगा दोस्तों √3 IPH। इसका फार्मूला क्या बनेगा, √3 IPH। अब ये जो ISC है, इसको यदि देखा जाए तो √3 VPH अपॉन ZPH होगा, या इसको इस तरीके से देख सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो √3 VL अपॉन ZPH। तो ये हो गया डायरेक्ट स्विचिंग करंट। ये जो कंडीशन है, ये डायरेक्ट स्विचिंग की करंट है दोस्तों।
सेकेंड देखेंगे डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क। अभी हमने देखा आईपीएच जो निकाला हमने, ये डायरेक्ट स्विच करंट है ये, वैसे डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क देखेंगे। तो इसका भी बेसिक डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क, डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क में कुछ नहीं है इसमें, आपको देखने मिलेगा कि ये जो टी एस सी जो है इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर। डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क में ये वी स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल में होगा, या ये बोल सकते हैं हम कि टी एस सी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। तो ये टी एस सी क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्विचिंग में, इस प्रोपोर्शनल टू लाइन वोल्टेज का वर्ग हो जाएगा। तो टॉर्क जो है वो इस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज के वर्ग के। तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दिया हुआ है। अब स्टार्टिंग करेंट विथ स्टार्टर में देखें, तो स्टार्टर में हमें स्टार्टिंग करेंट को ही लिमिट करना है। तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करने के लिए ये लाइन वोल्टेज हो गया, और ये जो कनेक्शन है दोस्तों ये क्या है, ये कनेक्शन है स्टार में। ये कनेक्शन क्या है दोस्तों, स्टार में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लाइन वोल्टेज है फेस वोल्टेज के बराबर यहाँ होता है, तो ये होता है डेल्टा में। अब स्टार में लाइन करंट फेस करंट के बराबर होती है, तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लाइन फेस वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर वीपीएच मतलब फेस वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा लाइन वोल्टेज अपान √3 हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको स्टार में बताया था वैसे डेल्टा में, और जैसे डेल्टा में बताया था वैसा स्टार में, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग जो करंट होती है वो फेस करंट के बराबर होती है। इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि स्टार कनेक्शन में स्टार्टिंग करंट फेस करंट के बराबर होती है, फेस करंट के बराबर होती है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, ये स्टार कनेक्शन में होता है। और डेल्टा कनेक्शन में हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है, और स्टार में लाइन करंट फेस करंट के बराबर होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं हम, तो कैलकुलेशन में हमें यह प्राप्त होता है कि जो लाइन करंट है फेस करंट के बराबर होती है। जब ये लाइन करंट फेस करंट के बराबर होगी तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा दोस्तों, और ये इक्वेशन कौन सा होगा कि स्टार्टिंग करेंट लाइन करेंट फेस करेंट के बराबर होगी। और ये फेस करेंट क्या होता है, वीपीएच अपॉन जेड पीएच के होता है, और जेड पीएच के होता है मतलब कि ये जो जेड पीएच है फेस वोल्टेज वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, और अपॉन ये जेड पीएच किसके बराबर होता है, √3 जेड पीएच के बराबर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से इसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्टार्टिंग टार्क विथ स्टार्टर। तो स्टार्टर का जो स्टार्टिंग टार्क होगा दोस्तों, इसे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू वी एल अपान √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्ग से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा वी एल का स्क्वायर अपान 3। तो ये वी एल क्या है, ये है लाइन वोल्टेज। वी एल क्या है दोस्तों, लाइन वोल्टेज। ठीक है, शब्दों को पकड़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये वी एल क्या है, लाइन वोल्टेज। जब आप कैलकुलेशन करेंगे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को, जब आप भाग देंगे दोस्तों, तो आपके सामने क्या उभर के आएगा, आपके सामने एक नया डेरिवेशन आएगा। और ये नया डेरिवेशन क्या होगा दोस्तों, कि इसमें जो स्टार्टिंग टार्क है, ये स्टार्टिंग टार्क के बारे में आपको उभर के आएगा।